लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जयपुर में उदयपुर कांड के आरोपियों से मारपीट की खबर। सीधे ब्रेक करें, कस्टडी में ले जाते वक्त आरोपियों के साथ मारपीट, विजुअल्स ऑन करें। गुस्साई भीड़ ने चारों आरोपियों की पिटाई की है, ये देखें तस्वीरें। कोर्ट ने 12 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में भेजा। एक बार फिर से हम ये विजुअल्स दिखाना चाहेंगे, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं। ये तस्वीर जो आ रही है, कांड के आरोपियों से मारपीट, ये विजुअल्स देखें आप। कस्टडी में ले जाते वक्त आरोपियों के साथ मारपीट हुई है। गुस्साई भीड़ ने चारों आरोपियों की पिटाई की है। कोर्ट ने 12 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में भेजा चारों आरोपियों को, अब ले जाया जा रहा है एटीएस मुख्यालय। इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाएं, ये देखें फिर से खबर दिखाएं ब्रेकिंग के साथ। जयपुर में उदयपुर कांड के आरोपियों से मारपीट, कस्टडी में ले जाते वक्त आरोपियों से मारपीट हुई है। ध्वज इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ध्वज बताइए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए एनआईए के ले जाते समय ये चारों आरोपी हैं उदयपुर कांड के, मोहसिन आसिफ और मोहम्मद रियाज और मोहम्मद बोस। इन्हें पूरी तरीके से जब ले जाया जा रहा था तभी सुरक्षा के बीच में लोगों ने हमला बोल दिया। गुस्साई भीड़ ने इन्हें चाटे मारे और जो उनके साथ में बगल में जो वकील खड़े थे उन्होंने इनके साथ मारपीट की। इनके चेटे भी आई हैं, कपड़े भी फाड़े गए हैं इनके। उसके बाद में तुरंत ही पुलिस का एक्स्ट्रा जाब्ता बुलाया गया और चारों आरोपियों को पहले मेडिकल करवाया गया, उन्होंने प्राथमिक उपचार चलाया गया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। अभी ताजा अपडेट ये निकल कर आ रही है कोर्ट से कि 12 जुलाई तक इन्हें रिमांड कर लिया है। अब इनकी जांच जो है, पूछताछ है, वो दिल्ली की एनआईए टीम करेगी। तो 12 जुलाई तक इन्हें रिमांड कर लिया गया। ये सब ठीक है डिटेलिंग, इनकी पिटाई करने वाले ये लोग कौन थे? देखिए गुस्साए लोग थे, भीड़ वहां खड़ी हुई थी, कुछ एडवोकेट भी थे उनमें, उन सबने जो है एक साथ ही इनके ऊपर टूट पड़े और इनके साथ में जमकर मारपीट की। और जो पुलिसकर्मी थे, पुलिसकर्मी के भी चोटें आई हैं, कुछ हल्की फुल्की, लेकिन इनके चोटें ज्यादा आई हैं, कपड़े इनके फाड़े गए हैं। तो माना यह जा रहा है कि ये लोग जो लोग थे कोर्ट में पहले से ही मौजूद थे, ठीक है, किस संगठन से है, ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।